हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इंटरमीडिएट के सिलेबस से भौतिक विज्ञान का पांचवा भाग लेके आया हूँ। इस पांचवें भाग में उत्तल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताऊंगा। इसे इंग्लिश में फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कहते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको एक फिगर बनाऊंगा। ये देखिए, एक उत्तल गोली पृष्ठ मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। गोली उत्तल पृष्ठ को आप लोगों के सामने रखा। ये जेड है, ये जेड डैश है, ये इसके ध्रुव से ये रेखा गई। इसके ध्रुव से ये रेखा जो गई है, ये है मुखच, ये है इसका वक्रता केंद्र, या दो भागों में बांटती है माध्यम एक, माध्यम एक वायु है, वायु है तो ये क्या होगा, विरल होगा। ये माध्यम दो है, माध्यम कौन सा है, दो है, एक कांच है, कांच है तो ये क्या होगा, सघन होगा। इसका अपवर्तनांक N1, इसका अपवर्तनांक N2, ये दोनों याद रखेंगे। गोलीय उत्तल पृष्ठ के मुखच पर एक वस्तु O है, ओ से एक प्रकाश की किरणें ए चली, एक ओ पी और एक ओ ए। अब बिंदु ए, यहाँ से सी ए एन, ये क्या है, अभिलंब है। अब ये ओ ए आपतित किरण की दिशा तो ऐसे थी, लेकिन जब ए विरल से सघन में गए तो अभिलंब की ओर झुक गई, ए बी दिशा में चली गई। यहाँ पे अपवर्तन कोण आर, आपतन कोण ए पूरा आई है, और यही किरण को आपने पीछे की ओर बढ़ा दिया। यहाँ पे आई पर मिली, प्रतिबिंब आई पर बन गया, बिंदु आई से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसके बाद ये कोण जो है यहाँ से यहाँ तक बना है, ये अपवर्तन कोण है, और ये ए से इस पे डाला गया लंब ए एम है, इसकी ऊंचाई स्मॉल एच है। इतना आया समझ में? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, रचना इसकी एक बार मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लिखेंगे कैसे, माना जेड पी जेड डैश कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है, माध्यम एक व माध्यम दो। माध्यम एक का अपवर्तनांक N1, माध्यम दो का अपवर्तनांक N2 है। उत्तल गोली पृष्ठ का ध्रुवी वक्रता केंद्र सी है। गोली उत्तल पृष्ठ पर या मुख अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ है। बिंदु वस्तु ओ से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं, एक ओ पी दूसरी ओ ए। ओ पी बिंदु पी पर अभिलंबवत आपतित होती हैं, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ओ ए किरण बिंदु ए पर आपतित होती हैं, जो अभिलंब सी ए एन की ओर झुक जाती हैं और अपवर्तित होकर ए बी दिशा में निर्गत हो जाती हैं। ए बी किरण को आगे की ओर यदि बढ़ाते हैं, ये कहीं पर नहीं मिलती हैं, लेकिन इन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख अक्ष पर स्थित
बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है। इतना आया समझ में? अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, गोली दर्पण, सॉरी दर्पण नहीं है, गोली उत्तल पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की दूरी u हो गई और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v हो गई, वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, r हो गई। इतना आया। इसके बाद मुख अक्ष के साथ OA, IA, CA अल्फा बीटा व गामा कोण अंतरित करते हैं। यहाँ तक आया। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या, बिंदु A पर आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, ओ ए एन, ओ ए एन बराबर कौन सा कोण है, आपतन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या है, यहां ध्यान देना, आई ए एन, कोण आई ए एन व बी ए सी अपवर्तन कोण है। इतना समझ में आया। एक बार ध्यान से इस चीज को सुनिए, मैं आप लोगों को बता दूं इतनी रचना एक बार पहले। माना जेड पी जेड डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है, माध्यम एक व माध्यम दो, माध्यम एक का अपवर्तनांक N1, माध्यम दो का अपवर्तनांक N2। गोली उत्तल पृष्ठ का ध्रुवीय वक्रता केंद्र C है। गोली उत्तल पृष्ठ पर एक बिंदु वस्तु O है। बिंदु वस्तु O से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं, एक OP और एक OA। OP ध्रुव पर अभिलंबवत आपतित होती हैं जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। दूसरी किरण OA बिंदु A पर आपतित होती है जो अभिलंब CAN की ओर झुक जाती है, क्योंकि ये विरल से सघन में प्रवेश करती है और AB दिशा में निर्गत हो जाती है। AB को आगे की ओर अगर बढ़ाया जाए तो कहीं पर नहीं मिलती है, अगर AB को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो मुख अक्ष पर स्थित बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है, आई बनता है। इसके बाद मैंने बताया बिंदु A पर, यहाँ भूल गए थे, बिंदु A पर आपतन कोण ओ ए एन बराबर आई है, अपवर्तन कोण आई ए एन व बी ए सी ए अपवर्तन कोण है। चलिए, बिंदु वस्तु O की ध्रुव P से दूरी क्या है, पी ओ बराबर माइनस यू व प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब क्या है, आई है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, पी आई है, पी आई क्या होगा, माइनस बी होगा, वक्रता त्रिज्या क्या है, पी सी है, और पी सी क्या है, प्लस आर है। यहाँ पर एक तथ्य की बात है जो आप नोट याद रखेंगे, सभी दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से नापी गई हैं। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं
और दाई ओर नापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। नोट आपको क्या याद रखना है, ये लिख दे रहे हैं, दर्पण के सॉरी दर्पण हो या गोली उत्तल लेंस हो या कुछ भी हो, उत्तल गोली पृष्ठ के ध्रुव से गोली उत्तल पृष्ठ या उत्तल गोली पृष्ठ या गोली उत्तल पृष्ठ के ध्रुव से नापी गई दूरियां, बाईं ओर मापी गई दूरियां, बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी, ये ऋणात्मक होगी। ठीक, और दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होगी। अब एक चीज और, माना यहां दिखेगा, माना ओ ए आई ए व सी ए मुख अक्ष के साथ अल्फा बीटा व गामा कोण अंतरित करते हैं। आया इतना समझ में? अल्फा बीटा व गामा कोण अंतरित करते हैं, यहां तक भी दिखेगा, यहां तक दिख रहा है तो ध्यान दीजिए। इसके बाद ये ध्यान देंगे, त्रिभुज OAC में, आई, इसका आई जो है आई बहिष् कोण है। और ये चीज ध्यान देना, नोट, बहिष्कोण त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अंतः कोण अल्फा और गामा, अल्फा प्लस गामा बराबर आई के, ये आपका पहला समीकरण हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज अगला आई, त्रिभुज आई ए सी में, आर क्या है? बहिष्कोण है, अंतः कोण बीटा और गामा है, में आर बहिष्कोण है, हो गया। तो बीटा प्लस गामा बराबर आर के, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब आगे चलिए।
स्नेल के नियम से, किसके नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर वन एन टू। आपको बताया गया है वन एन टू को अनुपात में कैसे लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन टू अपान एन वन। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। यदि गोली पृष्ठ का द्वारक छोटा हो, यहाँ पे यदि गोली पृष्ठ का द्वारक छोटा हो तो आई व आर के मान छोटे होंगे ना, मतलब तब साइन आई बराबर आई के व साइन आर बराबर आर के। अब समीकरण तीन से, तब समीकरण कितने से, तीन से। समीकरण तीन से जब होगा, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, तो साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर, एन टू अपान एन वन, त्रिक गुणा कर दीजिए, एन वन आई एन टू आर। ठीक, इतना समझ में आया। इसे मैंने चौथा समीकरण बना दिया। समीकरण एक व समीकरण दो से आई व आर का मान समीकरण कितने में रखने पर, चार में। समीकरण एक व दो का मान समीकरण चार में रखने पर रखिए, एन वन आई कितना है, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। एन टू क्या है, आर क्या है, बीटा प्लस एन टू बीटा प्लस गामा। एन वन अल्फा, एन वन गामा, एन टू बीटा, एन टू गामा। एन टू बीटा को इस तरफ लाइए, एन वन अल्फा माइनस एन टू बीटा बराबर एन टू गामा, एन वन गामा उस तरफ जाएगा तो माइनस में, गामा को बाहर ले लीजिए, एन टू माइनस एन वन, और यहाँ पे एन वन अल्फा माइनस एन टू बीटा, यही ना। इसको आप बना दीजिए पांचवा समीकरण। ठीक, अब ये ध्यान देंगे, यदि बिंदु M P के समीप हो और A बिंदु P के पास हो तो अल्फा कामा बीटा व गामा के मान छोटे होंगे, तब अल्फा बराबर टेन अल्फा, बीटा बराबर टेन बीटा, गामा बराबर टेन गामा। जब अल्फा और बीटा के मान छोटे होंगे तब अल्फा बराबर टेन अल्फा के, बीटा बराबर टेन बीटा के, गामा बराबर टेन गामा के।
अब बताइए अल्फा कोण यहाँ है, इस कोण के लिए लंबे ए आधारे वस्तु की दूरी और इसकी दूरियाँ क्या हैं, माइनस में हैं, यहाँ मत दर्शाइए, यहाँ दर्शाया गया। तो लंब आपको पता है लंब बटे क्या होता है, टैन आधार होता है, क्या होता है आधार होता है। लंब एच है आधार, यू है लेकिन यू की दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक है। बीटा लंब होगा, एच आधार क्या होगा, माइनस वी। गामा एच बटे इसकी दूरी क्या होगी, आर यहाँ पे, ठीक, एच अपान आर प्लस में। यहाँ तक दिखाई दिया, यहाँ तक भी दिखाई देगा, हाँ। तो क्या है, अल्फा कामा बीटा व गामा का मान समीकरण 5 में रखने पर, रखें, ये क्या है n1 है, बीटा की जगह क्या रखेंगे, एच अपान माइनस वी, फिर क्या माइनस n2, बीटा की जगह क्या रखेंगे, एच अपान माइनस वी बराबर, गामा की जगह क्या रखेंगे, एच अपान आर कोष्टक में n2 माइनस n1। इतना आया, ए n1 एच अपान माइनस वी दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस प्लस n2 एच अपान वी बराबर एच अपान आर कोष्टक में n2 माइनस n1। इसे आगे पीछे लिख लीजिए, पहले प्लस वाले को बाद में माइनस वाले को, n टू एच अपान वी माइनस n1 एच अपान यू, ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, ए u रहेगा, क्या रहेगा u, ठीक है। अब चलिए, आप मान तो रख ही दिए, अल्फा का मान था इस समीकरण 5 में, आगे क्या है, एच कोष्टक में एन टू माइनस एन वन बटे क्या आर, एच को कॉमन लीजिए, एन टू अपान वी एन वन अपान यू बराबर एच कोष्टक में एन टू माइनस एन वन बटे आर, एस से एच कट गया तो एन टू अपान वी एन वन बटे यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटे आर, ठीक। इसे पांचवा था, ये छठवा हो गया। यही लेंस के अपवर्तन का सूत्र, ठीक, यही लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। शर्त है इसमें, ध्यान दीजिएगा, यदि समीकरण 6 में, यदि समीकरण 6 में n1 से भाग देने पर, समीकरण 6 में n1 से भाग देने पर, ये मत सोचिएगा कि एक ही तरफ भाग होगी, एक ही तरफ नहीं होगी, दोनों तरफ भाग देंगे। चलिए, जब इसमें इसमें भाग देंगे तो n2 अपान n1 अपान v माइनस n1 अपान n1 बटे u बराबर n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 बटे r, इससे कट जाएगा, इससे कटेगा,
एन टू अपान एन वन बटे वी, वन अपान यू एन टू अपान एन वन माइनस एक बटे आर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक शर्त लिखाई गई थी वन एन टू को अनुपात में एन टू अपान एन वन लिख सकते हैं। वन एन टू को हम अनुपात में एन टू अपान एन वन लिख सकते हैं पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, सॉरी दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे लिख सकते हैं वन एन टू अपान वी माइनस वन अपान यू बराबर एन टू, इसे भी उसी तरह क्या वन एन टू माइनस वन बटे आर, ए हो गया फार्मूला एक। ठीक, यहां एक चीज और ध्यान देना, यदि पहला माध्यम वाई हो इंग्लिश में एयर तथा दूसरा माध्यम कांच हो, तब मतलब यहां पे क्या, यदि पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच हो तब हम इसे कैसे लिखेंगे। पहला माध्यम ए एन जी अपान वी माइनस वन अपान यू ए एन जी माइनस वन अपान आर, तब समीकरण आपका इस प्रकार होगा। तो इतना ही डेरिवेशन है आप में, ठीक, ये आपका पूरा डेरिवेशन था। एक चीज इसे हम एक रूप में और लिख सकते हैं बेटा, जो आपका ये समीकरण घेरा गया है, एक शर्त और भी है कि हम n बराबर लिखते हैं वन एन टू, दिखाई दिया, हम n बराबर वन एन टू लिखते हैं तो ये समीकरण इस प्रकार भी हो जाएगा n अपान वी वन अपान यू बराबर n माइनस वन बटे आर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम 1 एन टू बराबर लिखते हैं n2 अपान n1, लेकिन हम n बराबर भी लिखते हैं 1 एन टू, तो यही समीकरण आपका इस तरह भी चेंज हो जाएगा। बस आज आप लोगों को इतना ही, पूरा डेरिवेशन मैंने इस पे कर दिया, भाग 4 का पीडीएफ भी लोड हो गया, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, नोट बना लेंगे, और भाग 5 को भी पढ़िएगा, उसका भी पीडीएफ बन गया है, आप लोगों के लिए उसे अपलोड कर देंगे, आप उसका नोट अच्छी तरह से बनाएंगे। जितने भाग अभी तक आपको पढ़ाए जा रहे हैं वही भाग आपके कोर्स में इस समय कोविड-19 महामारी के चलते जितने कोर्स आपको बताए गए हैं, जितनी हेडिंग बताई गई है, वो सब आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका निवारण मैं ज़रूर करूँगा। कमी तो ज़रूर खल रही है कि आप लोग पास में नहीं हैं, नहीं तो आप पूछते कई चीज़, जो चीज़ नहीं समझ में आती है, कभी भी हो सकता है मौका मिले तो आप पूछ लीजिएगा। आशा करके सभी डेरिवेशन का नोट बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही, अब अगले भाग में मिलेंगे। थैंक्स।